अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 2 दिन पहले हुआ ऐसा कि मेरे कपड़ों पे थोड़ा सा इंजन ऑयल लग गया, गाड़ी का जो ऑयल होता है, तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे साफ़ करूँ। तो मैंने फिर यूट्यूब से हेल्प ली, तो कुछ वीडियोस देखें जिसमें पेप्सी के ज़रिए जो है वो कपड़ों से ऑयल को साफ़ किया जा रहा था। तो मैं सोचा, मैं बड़ा खुश हुआ कि बहुत आसान तरीका है, क्यों ना मैं भी ऐसा करके देखता हूँ। तो मैं पेप्सी लेके आया, तो मैंने जो तरीका जैसे देखा था मैंने वैसे ही अप्लाई किया। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, कि एंड पे जो रिज़ल्ट आया उस चीज़ का, वो देख के मैं हैरान रह गया कि कैसी कैसी लोग वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालते हैं। वाकई ये सच है या झूठ, आपको इस वीडियो में बताता हूँ। आप ये वीडियो को एंड तक देखें, और अगर वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन, ये तरीका अच्छा लगा हो, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये पेप्सी की एक बोतल लेके आया हूँ, 1 लीटर की। अब आप तरीका देखिएगा। आधी से ज़्यादा बोतल जो है वो मैंने इस डब्बे में डाल दी है, इस टब में डाल दी है, और ये वो ऑयल लगा हुआ है कपड़ों पे। अब मैं इसको इसके अंदर डिप कर दूंगा। अब इसको डिप करने के बाद थोड़ी सी और पेप्सी मैंने इस पे डाल दी। और ये थोड़ी सी मैंने रख ली अपने पीने के लिए, ताकि मेरा भी थोड़ा फ़ायदा हो। 1 लीटर की पेप्सी थी, याद रखिएगा। कोई पानी नहीं इसमें डाला, कुछ भी नहीं, और सिर्फ पेप्सी के साथ इसको साफ़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये ऐसे 2 घंटे से ज़्यादा, बल्कि 2 घंटे से भी ज़्यादा मैंने इसको डिप करके रखा है। और जब उसके बाद निकाला तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा, वैसे का वैसे ही था जैसे पहले था। तो ये देखें, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है उसका, ज़रा से भी तब्दीली नहीं आई। तो ये देखें, बिल्कुल भी जैसे पहले था, वैसे का वैसे ही है, कोई थोड़ा सा भी ऑयल नहीं उतरा। तो मुझे बहुत मायूसी हुई कि जो लोग भी वीडियो बनाते हैं और गलत गाइड करते हैं कि पेप्सी के साथ या कोक के साथ में आपके कपड़े साफ़ हो सकते हैं ऑयल या कुछ भी इस तरह की चीज़, तो मेरे तजर्बे में तो ये चीज़ गलत साबित हुई है। अब उसके बाद मैंने ये स्टेन रिमूवर लिए, उसको मैंने सेम अप्लाई किया है कपड़ों पे, और इसका रिज़ल्ट देखिएगा। इसको मैंने ये आधा घंटे के लिए मैंने इसको डिप करके रखा है इसके अंदर, और उसके 30 मिनट के बाद निकाला है। ये ब्रश के साथ मैंने इसको साफ़ किया, और आपके सामने है रिज़ल्ट कि 2 घंटे पेप्सी में डाल के रखने से कोई ज़रा बराबर फ़र्क नहीं पड़ा, और इससे देखें आधे घंटे के अंदर अंदर बिल्कुल साफ़ हो गए। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये पेप्सी के मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।